नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, यहां पे हमारे पास है सोनी का मैसिव 65 इंच का बजट टीवी। बजट टीवी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे सोनी का 65 इंच का टीवी आपको अंडर 90,000 प्राइस ब्रैकेट मिल रहा है, वो भी एक आईपीएस पैनल के साथ। एंड गाइस, इसका नाम है सोनी का KD65X75L। न्यूली लॉन्च टीवी है गाइस। यहाँ पे बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हो, काफी मैसिव सा आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे जो पैकेजिंग वाला पार्ट है ना, वो भी काफी बढ़िया उन्होंने प्रोवाइड किया था। एंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको स्टैंड्स देखने मिलते हैं, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, ट्रिपल ए बैटरीज विद एडिशनल स्क्रूज, एंड यहाँ पे कुछ पेपर वर्क भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस, यहाँ पे जो स्टैंड वाला पार्ट है ना, उसे हम क्विकली यहाँ पे माउंट करते हैं टीवी को पावर ऑन। एंड जब तक ये पावर ऑन हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकेशंस को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। सोनी का टीवी है गाइस, तो यहाँ पे जो स्टैंड वाला पार्ट है ना, आपको पॉलीकार्बोनेट प्लस मेटल का देखने मिलता है। यहाँ पे जो बॉडी है ना इसकी, वो भी आपको पॉलीकार्बोनेट प्लस मेटल की उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड टीवी का जो वेट है ना, यहाँ पे रफली 22.1 kg का निकल के आता है। काफी हैवी साइड पे ये टीवी है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइड में आपको दो USB टाइप ए पोर्ट, 3 HDMI 2.1, जहाँ पे एक HDMI ERC पोर्ट आपको देखने मिलता है, 3.5mm का जैक, एंटीना पोर्ट, एंड बैक साइड पे यहाँ पे AV इन LAN पोर्ट एंड ऑप्टिकल पोर्ट। एंड गाइस, फिर हम बढ़ते हैं सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट की तरफ, जो है इस टीवी का डिस्प्ले। गाइस, यहाँ पे आपको 65 इंच का मैसिव 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने मिलता है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड यस गाइस, यहाँ पे ना आपको IPS पैनल देखने मिलता है, VA पैनल प्रोवाइड नहीं किया है। एंड यहाँ पे आप बेजल वाला पार्ट देख सकते हो, यूनिफॉर्म देखने मिलता है चारों भी साइड्स में। 4K HDR कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वॉच कर सकते हो। लाइव कलर का आपको एक कॉन्सेप्ट देखने मिलता है इस टीवी में, जहाँ पे कलर एक्यूरेसी वाला पार्ट आप देख सकते हो, नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड यस, यहाँ पे 4K एक्स रियलिटी प्रो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड 4K एक्स रियलिटी प्रो में भी जो कलर वाला पार्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है। एंड ये सारी चीजें पॉसिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिलता है सोनी का X1 4K प्रोसेसर। एंड ये जो प्रोसेसर है ना, इसकी हेल्प से नो डाउट जो पिक्चर्स है, कलर्स है, बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। एडिशनली यहाँ पे उन्होंने सोनी का मोशन फ्लो XR भी प्रोवाइड किया है, जो बेसिकली MEMC है। सो यहाँ पे अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स या फिर एक्शन सीक्वेंस वॉच कर रहे हो ना, एडिशनल फ्रेम ऐड करके ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ फुटेज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड गाइस, सोनी का टीवी है, HDMI 2.1 आपको देखने मिलता है, ALLM सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप PlayStation 5 में बहुत ही अमेजिंग गेमिंग कर सकते हो। जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको गेम मोड का ऑप्शन देखने मिलता है। गेम मोड की हेल्प से यहाँ पे PS5 की जो गेमिंग है ना, बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज आपको देखने मिलती है। HDR टोन का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। सो जो गेम वाला पार्ट है ना, वो इन्हांस्ड आपको देखने मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे मोशन फ्लो XR की हेल्प से यहाँ पे आपको काफी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। सो गाइस, नो डाउट आप PlayStation 5 के साथ भी इस टीवी को यूज कर सकते हो। अगर आपको 120Hz का टीवी चाहिए तो 120Hz में भी सोनी के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसके लिए जा सकते हो। ये बजट में 65 इंच। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज सोनी नहीं डिस्क्लोज करती, जो है निट्स ऑफ ब्राइटनेस। मगर क्यों? बट जितना हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एंड फिर हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। आउट ऑफ द बॉक्स ये टीवी आता है गूगल टीवी OS के साथ, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 11 पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, होम स्क्रीन के ऊपर आपको सजेस्टेड कॉन्टेंट देखने मिलेगा, ढेर सारे डिफरेंट OTT एप्लीकेशन से। मूवीज का टैब आपको देखने मिलता है, शोज का टैब भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, ऐप्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन आपको देखने मिलता है, जहाँ पे सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे। एंड यस, यहाँ पे उन्होंने प्ले स्टोर का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ढेर सारे एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि गाइस, यहाँ पे आपको 16GB का बिल्ट इन स्टोरेज भी देखने मिलता है, सो एडिक्वेट स्टोरेज है गेम्स या फिर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए। एंड डेफिनेटली गाइस, OTT प्लेटफॉर्म्स की बातचीत तो बनती है, तो यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स इसमें टर्न ऑन किया था। नेटफ्लिक्स नो डाउट बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर आप 4K HDR कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हो। एंड ब्राइटनेस वाला भी जो पार्ट है ना, बहुत ही बढ़िया निकल के आता है HDR कंटेंट में। सिमिलरली गाइस, प्राइम वीडियोस को भी हमने टर्न ऑन किया था, प्राइम वीडियोस भी बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। एंड यहाँ पे भी आपको UHD HDR कंटेंट विजिबल हो जाएगा। एंड नेवर द लीस्ट, यहाँ पे हमने YouTube को भी टर्न ऑन किया था। एंड YouTube के अंदर भी यहाँ पे आपको 4K 60fps HDR कंटेंट बहुत ही अमेजिंगली देखने मिलता है। एंड एडिशनली गाइस, यहाँ पे हमने Disney Hotstar को भी टर्न ऑन किया था। एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आप लाइव
टीवी या फिर जो लाइव मैच होते हैं ना उसे एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पे फुटबॉल वाले सीक्वेंस में आप देख सकते हो MEMC सपोर्ट की वजह से ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ फुटेज यहाँ पे आपको विजिबल होगा। एंड गाइज गूगल टीवी है, कास्टिंग की बातचीत तो डेफिनेटली यहाँ पे बनती है। बिल्ट इन आपको एप्पल एयरप्ले देखने मिलता है, तो आपका आईफोन जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कास्ट कर सकते हो विदाउट एनी लैग एंड लेटेंसी। एंड यस आपका एंड्रॉयड फोन भी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कास्ट कर सकते हो। कास्टिंग में गाइज अगर आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वाईफाई नेटवर्क। जितना बढ़िया वाईफाई नेटवर्क उतनी बढ़िया कास्टिंग। एंड यस बिल्ट इन क्रोमकास्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड गाइज फिर हम बढ़ते हैं बिल्ट इन गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने एसफॉल्ट 8 जो गेम है ना उसे डाउनलोड किया था, एंड उसे खेलने के लिए आपको ब्लूटूथ गेम पैड की जरूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे उन्होंने ब्लूटूथ 82 dB का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल ब्लूटूथ हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड गेम पैड भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस यहाँ पे आप देख सकते हो गेम पैड की हेल्प से यहाँ पे जो एसफॉल्ट 8 गेम है नो डाउट बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था, कोई भी लैग लेटेंसी यहाँ पे आपको महसूस नहीं होने वाली। बेसिक गेम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि बीच बगी रेसिंग गेम, उसे भी यहाँ पे हमने खेला, उसे तो भाई रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ही आप खेल सकते हो, एंड ये भी गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एंड कई सारी और भी गेम्स है, डेफिनेटली आप डाउनलोड करके उन्हें खेल सकते हो। स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डुअल फायरिंग डाउन स्पीकर्स आपको देखने मिलते हैं 10 वॉट्स के, जो यहाँ पे पावर्ड है बाय डॉल्बी ऑडियो। सो यस सैम्पल ऑडियो फुटेज प्ले करता हूँ, साउंड क्वालिटी को सुनिए। सो गाइस नो डाउट 20 वॉट्स के हिसाब से साउंड आउटपुट बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड यस अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली एक्सटर्नल यू नो साउंड थिएटर सिस्टम वो तो कनेक्ट ही कर सकते हो। एंड गाइज रिमोट कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो गाइज पहले जो टिपिकल सोनी के बड़े बड़े रिमोट आते थे वैसा नहीं है, कॉम्पैक्ट सा रिमोट कंट्रोल आपको देखने मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म्स के कुछ शॉर्टकट कीज भी उन्होंने प्रोवाइड किए, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने मिलता है। गूगल असिस्टेंट की हेल्प से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जैसे कि हु इज टेक अनबॉक्सिंग। According to Hindustan Times, meet Abhijit Desai of Tech Unboxing, a dedicated channel for unboxing gadgets from popular brands. So yes guys, कुछ इस तरीके से आप information ले सकते हो, smart home को भी control कर सकते हो। And yes, smart home की बातचीत कर ही दिए, तो यहाँ पे आप इसे Alexa की help से भी operate कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको power off करना है, volume बढ़ाना है, command देते हैं, Alexa, volume up on TV Sony. पता नहीं कुछ अलग कमांड दे रहा है बट वॉल्यूम अप तो यहाँ पे हुआ है। रिमोट कंट्रोल भाई मैंने साइड में रख दिया है, और एक कमांड ट्राई करते हैं, टर्न ऑफ टीवी सोनी। टर्न ऑफ हुआ है, टर्न ऑन भी कर सकते हो गाइस। हिंदी में ट्राई करते हैं कमांड, हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में तो हो रहा है, हिंदी में करते हैं, टीवी सोनी को चालू कीजिए। चालू हो गया। सो हिंदी में दे सकते हो कमांड, इंग्लिश में भी देख सकते हो, दे सकते हो एलेक्सा की हेल्प से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। कमांड्स आपको मिल जाएंगे इसके एप्लीकेशन के अंदर। सो वैसे तो गाइज वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ओवरऑल गाइज वैल्यू फॉर मनी मुझे ये टीवी लगा, IPS पैनल के साथ आता है, सोनी का 65 इंच का टीवी है। प्राइसिंग है इसकी कितनी है, 87,500 ओनली। एंड सोनी के हिसाब से गाइज वैल्यू फॉर मनी टीवी मैं डेफिनेटली इसे बोल सकता हूँ। परचेस करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये टीवी कितना वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।